जय श्री कृष्ण। कर्मकांड, पूजा मंत्र, स्तोत्र, व्रत कथा एवं सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए घंटी की निशान को भी दबाएं। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गायत्री माता का ध्यान किस प्रकार करना चाहिए, कौन कौन से मंत्र हैं जिनसे हम गायत्री माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो आप अंत तक देखिएगा और सभी मंत्रों को आप याद कर लीजिए। नित्य घर में जब पूजा करें तो इन मंत्रों का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहला मंत्र इस प्रकार है, ओम श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा कोशेय वसना तथा श्वेतेर्विलेपने पुष्पै रलंकारैश्च भूषिता आदित्यमंडलस्ता च ब्रह्मलोकगताथवा अक्षशोत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा। दूसरा मंत्र इस प्रकार है, ओम तत्पदं पातु मे पादौ जंगे मे सवितुः पदं वरेण्यं कटिदेशन्तु नाभिम्बर्गस्तथैव च देवस्य मे तु हृदयं धीमहि तीगलं तथा धियो मे पातु जिह्वायां तत्पदं पातु लोचने ललाटेन पदं पातु मूर्धानं मे प्रचोदयात्। प्रातःकाल इस प्रकार आपको ध्यान करना चाहिए, ओम बालां विद्यांतु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तांबरं द्वयोपेता मक्षशूत्रकरां तथा कमंडलुधरां देवी हंसवाहन संस्थितां ब्रह्माणीं ब्रह्मदैवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीं मंत्रेणावाह्ये देवी मायान्ति सूर्यमंडलात्। मध्याह्न काल में गायत्री माता का विष्णु रूप में इस प्रकार आपको ध्यान करना है, ओम मध्याह्ने विष्णु रूपां च ताक्षस्तां पीतवाससां युवतीं च यजुर्वेदां सूर्यमंडल संस्थितां। सायंकाले शिव रूपा गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए, ओम सायाहने शिवरूपां च वृद्धां वृखववाहिनीं सूर्यमंडल मध्यस्थां सामवेद समायुतां। ओम मुक्ता विद्रुमहे मनील धवल छायेर्मुखस्तीक्ष्णैर्युक्तामिन्दुकला निबद्धमुकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकां गायत्रीं वरदाभयङ्कुशकषा शुभ्रं कपालं गुणं शंखं चक्रमथारविन्दुयुगलम् हस्तैर्वहन्तीं भजे। तो ये थे गायत्री माता के ध्यान मंत्र। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी आप कुछ सीखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।